Hey, welcome to my channel. Hope you all are good. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए फेस पैक, जो कि DIY फेस पैक होगा, डू इट योरसेल्फ, आप घर पे आराम से बना सकते हैं। काफ़ी कम इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज़ किया है, दो इंग्रेडिएंट से मैंने इस फेस पैक को बनाया है। उससे पहले कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है tanyavarma21, ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप वहाँ पे आ सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर दूँगी और आपसे पर्सनली चैट करूँगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके पहले कि यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल हो यार तो प्लीज़ लाइक कर देना, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ। कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको किस चीज़ के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, या आपको कोई भी क्वेरीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ये फेस पैक सिर्फ दो चीज़ों से बनाया है, जो कि काफ़ी अच्छा हमारे फेस में रहेगा, हमारी फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए रहेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे सफोला का ओट्स ले रही हूँ, आपके पास जो भी ओट्स अवेलेबल है आप वो ओट्स ले लो। मैंने यहाँ पे एक चम्मच ओट्स लिया है। ओट्स की प्रॉपर्टीज़ आप सभी जानते हैं, मैं आपको आगे बताती हूँ क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप एक चम्मच पहले ओट्स ले लो, इसको आप अच्छी तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लो, अगर आपके ओट्स ज़्यादा बड़े बड़े हैं। मैंने इसको फिंगर की हेल्प से मतलब ऐसे क्रश कर लिया था। उसके बाद अब मैं इसमें हनी ऐड कर रही हूँ, आप हनी ऐड कर लो आपके पास है तो। मैं इसमें 1 टेबल स्पून हनी ऐड करी हूँ, मैं यहाँ पर एल्प्स का हनी यूज़ करी हूँ, आप कोई भी हनी ले सकते हैं। पहले मैंने इसमें 1 टेबल स्पून हनी ऐड कर लिया, मुझे स्टिल कम लग रहा था, आप अपने हिसाब से कर लीजिए ऐड, अगर आपको कम लग रहा है तो आप और ऐड कर लो, मुझे भी काफ़ी कम लग रहा था। मैंने उसके बाद एक और टेबल स्पून ऐड किया, मतलब मैंने टोटल 1 टेबल स्पून ओट्स में 2 टेबल स्पून हनी ऐड किया है, आप अपने हिसाब से कर लीजिए जैसे कि मैंने अभी आपको बोला। अगर आपके पास हनी अवेलेबल नहीं है तो आप कर्ड ऐड कर लो, कर्ड दही आप दही मिला लो, दही की प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी अच्छी होती है हमारे फेस के लिए, और समर्स में तो बहुत अच्छा होता है दही भी, हमारी स्किन को ज़्यादा ड्राई भी नहीं करता है, पैची पैची भी नहीं दिखाता है, और हमारे फेस में मॉइस्चराइज़र भी देख के जाता है, मतलब मॉइस्चराइज़र हमारे फेस का बनाए रखता है, वो हमारे फेस में फेस को मॉइस्चराइज अच्छे से करता है। अच्छी तरीके से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए आप, इसमें पानी ऐड मत करना, मिल्क ऐड मत करना, कुछ भी ऐड मत करना, आप इसको बस अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इस फेस पैक की खासियत यह है, आप इसको अपने फेस पे लगाओगे ना तो ये एज अ स्क्रबर भी आपका काम करेगा, एज अ फेस पैक तो करेगा काम, एज अ स्क्रबर भी काम करेगा, जब आप इसको वॉश आउट करोगे तभी आपके फेस पे एज अ स्क्रबर काम करेगा। हमारा फेस पैक यहाँ पे तैयार होता है सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से, मैंने इसको बनाया हनी और ओट्स। आप दही मिला सकते हो अगर आपके पास हनी नहीं है तो, जैसा कि मैंने आपको बताया दही भी नहीं है, घर के दूध की मलाई निकलती है ना, आप दूध वाली मलाई ऐड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा वो भी। बट जैसा कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए, तो ड्राई स्किन वालों को इस मतलब मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़रूरत होती है। मेरी स्किन तो नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, मेरी ऑयली स्किन है, बट स्टिल मैं मेरे को आपके साथ शेयर करना था क्योंकि सभी की स्किन अलग अलग टाइप की होती है। अब मैं इस फेस पैक को अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। नाउ एज यू कैन सी जो हनी है वो अच्छी तरीके से ओट्स के साथ मिक्स हो गया है। पूरे फेस पे फिंगर की हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई करूँगी क्योंकि ब्रश की हेल्प से इतना सूटेबल नहीं होगा, ब्रश नहीं कर पाएगा फेस पे, फेस पैक नहीं लगा पाएगा ब्रश, इसलिए मैं फिंगर की हेल्प से कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कर लो, आप भी फिंगर की हेल्प से करना, ज़्यादा अच्छे तरीके से सेट हो पाएगा आपके फेस पे ये फेस पैक। इस पे आप देख रहे हो जो पार्टिकल्स दिख रहा है वो ओट्स के पार्टिकल्स है, इसलिए मैंने आपको बोला ज़्यादा क्रश मत करना, मिक्सर ग्राइंडर में करोगे तो पाउडर बन जाएगा, बट स्टिल आप हाथ से करोगे ना तो हल्का हल्का क्रश हो जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा पिस जाएगा, हाथ से दाने आ जाएंगे, और जो रहेगा आपको दिख रहा है जिसमें पार्टिकल्स हैं ये आपके स्क्रबर का काम करेंगे आपके फेस पे। आप इसको 10 मिनट के बाद जब ऐसे ही फेस पे लगा रहेगा तो हनी है, हनी आपके फेस में ये फेस पैक को ड्राई होने नहीं देगा, हनी में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, हनी आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है, और ओट्स के अंदर एब्जॉर्ब करने वाली प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करता है। आप ओट्स खाते हो तो देखते हो दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, पानी बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है आप जिसमें मिलाते हो, तो इसलिए आपके फेस से ये ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा सारी चीज़ें। 10 मिनट के बाद आप अपना फेस वॉश कर लेना।